वेलकम है आज की क्लास में। सो मैं रुचि मिश्रा एंड आई विल बी टेकिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। आई होप आपने सबने थोड़ी बहुत तैयारी ऑलरेडी कर रखी होगी इंग्लिश से रिलेटेड। और जो हमारे एग्जाम्स है इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का। क्वेश्चंस जो है वो कई अलग अलग सेक्शन से आते हैं। जैसे कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जहाँ पे वर्ड के ऊपर बेस्ड होता है हमारा क्वेश्चन। जैसे एक वर्ड है उसका मीनिंग से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं कि भाई आप इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड आइडेंटिफाई कीजिए या फिर ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड आइडेंटिफाई कीजिए। कई बार क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि अच्छा हमने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है, अब इसके लिए कौन सा सुटेबल वर्ड आपको यहाँ पे लग रहा है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आप किसको सेलेक्ट कर सकते हो, एक ऐसे वर्ड को जो कि उस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर ले, है ना। कई बार प्रीफिक्स सफिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस हो गए जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड है। फिर एक हमारा सेगमेंट हो जाता है इंग्लिश ग्रामर का। बहुत सारी चीजें हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। फिर सेंटेंस कैसे बनाया जाना चाहिए उस पर बेस्ड हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका ध्यान रखना होगा हमें। कई बार जो एक सेंटेंसेस होते हैं उसके डिफरेंट सेगमेंट्स आप कर सकते हो, जैसे उसके अंदर से यू कैन आइडेंटिफाई इफ द गिवन सेगमेंट इज फ्रेज और क्लॉज। अब ये फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, इनके कितने टाइप्स हैं। तो हमारी जो इंग्लिश की क्लासेस होंगी इसके अंदर हम इसी तरीके से अलग अलग डोमेन्स कह सकते हैं, डायमेंशंस कह सकते हैं, सेगमेंट्स सेक्शंस जैसे भी आप इसको बुलाना चाहें, हम इन सारे ही सेगमेंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। अब पढ़ेंगे कैसे, है ना। सो एक एक करके इन चीजों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि भाई हमारे जो हमारी ये तैयारी होनी है अगले एक पूरे कोर्स ड्यूरेशन तक, उसके अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, फिर उन चीजों को पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई टॉपिक है उसको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है या उसके अंदर आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको पहले से नहीं पता होंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है उस टॉपिक के अंदर। नंबर ऑफ क्लासेस जैसे जैसे मैंने ली है अलग अलग सेगमेंट्स कोर्सेज के अंदर, जैसे आई एम टेकिंग क्लासेस इन सीटेट है, फिर ये आपके DSSSB KVS NVS वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे PRT TGT PGT लेवल पे कॉमन इंग्लिश आती है। उसके अलावा मेरा अपना इंग्लिश लिटरेचर का बैच भी अवेलेबल है CGS कोचिंग के ही वेबसाइट पे। ये जो अलग अलग लेवल पे इंग्लिश की क्लासेस होती हैं उससे एक थोड़ा सा ना मैंने सॉर्ट आउट किया हुआ है कि हम इस जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं या सेक्शंस हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर उनको किस ऑर्डर में हम पढ़ें, तो वो हमारे दिमाग में चीजें जो है ना वो बिल्कुल ऐसे सेट होती जाएंगी। वो ऑर्डर भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम अपने क्लासेस के अंदर इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, और साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक भी हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप और आपको ये जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ ये समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है आज की क्लास को लेके, आगे की जो आपकी क्लासेस होने वाली हैं उसको लेके, तो आपके वहां पे जहाँ पे आप ये पेज पे क्लास को देख रहे हो वहां पे फोन नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। शुरू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की, है ना, कि पढ़ना हमें क्या क्या है। अब इसके अंदर हमारे जो मेजर कैटेगरीज हैं, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से मेजर कैटेगरीज हैं जहां से हमारे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी है हमारी कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन आप समझते होंगे, कॉम्प्रिहेंशन ये जो वर्ड है कि किससे बना हुआ है, कॉम्प्रिहेंड से। कॉम्प्रिहेंशन किससे बना है, कॉम्प्रिहेंड से, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना, समझना। आपके एग्जाम में एक सेक्शन फोकस कर रहा होता है किस चीज के ऊपर, कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज की।
अब इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि हम आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर दें और फिर उस कंटेंट को आपको पढ़ने को बोलें। जब आप उस चीज को पढ़ लो तो हम ये चेक करने के लिए कि आपको वो समझ में आया है या नहीं आया है, हम कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछ लें। ये सेम प्रोसेस कहाँ फॉलो किया जाता है? पैसेजेस के अंदर। पैसेजेस दिए जाते हैं आपको एग्जाम के अंदर, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग तरीका है। कहीं पे हमारे छोटे पैसेजेस आते हैं, कहीं बड़े पैसेजेस आते हैं, कहीं और ज्यादा फोकस किया जाता है तो पोयम भी पूछ लिया जाता है, राइट? सो हम कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, क्योंकि हमारे पोयम नहीं आती पीआरटी टीजीटी पीजीटी कॉमन इंग्लिश के सेक्शन में, सो पोयम नहीं, बट वी विल वर्क ऑन पैसेजेस। शुरुआत करेंगे कुछ छोटे पैसेजेस से, फिर थोड़े मीडियम लेवल के भी पढ़ेंगे और दो चार पैसेजेस हम थोड़े हेवी वाले भी प्रैक्टिस करेंगे। अब इसका तरीका क्या होगा मैं आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दूंगी। जब भी हमारा ये सेशन होना होगा मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगी। जहां आपका स्टडी मटेरियल का टैब दिख रहा है ना आपको आपके पेज पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकोगे, पढ़ सकोगे। क्वेश्चंस रहेंगे वो आप ऑलरेडी जो भी टाइम अलॉटेड होगा उसके अंदर आप पढ़ के उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे, और बाद में जब हमारा सेशन हो रहा होगा हम उसके अंदर आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। सो इसमें ये नहीं करेंगे कि मैं सिर्फ आपको बता दूंगी कि अच्छा भाई सेकेंड वाले क्वेश्चन का बी होगा या थर्ड वाले क्वेश्चन का सी होगा, ऐसे नहीं। हम डिस्कस करेंगे, आप कमेंट करोगे, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम उस ऑप्शन के ऊपर गए हैं, वाई दैट वन इज द करेक्ट। सो कई बार यहाँ पे छोटी छोटी ट्रिक्स भी होती हैं, वो भी मैं आपको साथी के साथ गाइड करते चलूंगी, तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। आगे जाके जब आपके पास एक इस तरीके का सेट ऑफ क्वेश्चन आएगा आप वहां पे आसानी से आइडेंटिफाई कर ले जाओगे, ठीक है? सो एक सेगमेंट कौन सा हो गया? कॉम्प्रिहेंशन का हो गया। इसके अंदर हम करेंगे सॉल्व पैसेजेस, ठीक है? सो पैसेजेस हम कुछ करेंगे 5 क्वेश्चंस वाले और बाद में कपल ऑफ 10 क्वेश्चंस वाले, ठीक है? दूसरा सेगमेंट हो जाता है वोकैबुलरी का। अब वोकैब के अंदर कई चीजें आ जाती हैं, इनको देख लेते हैं। वोकैब के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एक हम पढ़ेंगे सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, क्या कहा जाता है इनको? सिनोनिम्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन जो आपके आते हैं एग्जाम में ये दो तरीके के आते हैं, कहीं कहीं तो डायरेक्टली लिखा होगा कि आइडेंटिफाई द सेम मीनिंग वर्ड और आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये आसान है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता, आपने जो पढ़ा होता है आप उसके बेसिस पे आसानी से आइडेंटिफाई कर ले जाते हो। मुश्किल कहाँ आती है? जहां लिखा होता है विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमिलर मीनिंग वर्ड। अब ये क्या होते हैं? ये डायरेक्ट मीनिंग नहीं होते, ये कहीं ना कहीं सेंस वाइज या अप्रोच वाइज या आइडिया वाइज उस गिवन वर्ड के साथ टैली करते होंगे। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही आसान सा वर्ड ले लूं मैं, ब्यूटीफुल। तो आपको पता है कि अगर वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है, लेट्स से स्मार्ट दिया हुआ है, अगली दिया हुआ है, गॉर्जियस दिया हुआ है और स्मेली दिया हुआ है, सो इसमें से हमारा अगर हमें एग्जैक्ट मीनिंग वर्ड ढूंढना है तो हम गॉर्जियस के साथ चले जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। पर जब सिमिलर मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमिलर मीनिंग वर्ड दिया होता है, फिर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से सबसे ज्यादा नजदीक वाला कौन सा है। वहां कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। अब जैसे ब्यूटिफुल के लिए अगर ऑप्शन में हमारे पास स्मार्ट हो, क्यूट हो, प्रिटी हो और लेट्स से कनिंग हो, तो अब यहाँ पे कनिंग तो मान लीजिए छोड़ दीजिए, अलग हो गया, पर आप स्मार्ट भी आपको लेगा, हाँ भी स्मार्ट भी जा सकता है, क्यूट भी जा सकता है, प्रिटी भी जा सकता है। फिर अब इन तीनों में से हम और क्रॉस आउट करेंगे, सो इस तरीके से वहां पे आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा। सो सिनोनिम को ही ध्यान में रखते हुए सेम मीनिंग वाले वर्ड्स और सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, जो कि एग्जैक्ट नहीं है पर कहीं ना कहीं आइडिया या सेंस के आप कह सकते हैं आइडिया या सेंस जो है वो उनका उनसे मिलता जुलता है, ठीक है? ये करेंगे। उसके बाद एंटोनिम्स जो कि हो जाते हैं ऑपोजिट मीनिंग वर्ड। उसके बाद ये तो हो गए हमारे मीनिंग के ऊपर बेस्ड। फिर आ जाते हैं हमारे अफिक्सेस। अफिक्सेस समझते हैं आप?
अफिक्सेस किसको कहा जाता है? डू यू अंडरस्टैंड? नहीं, नहीं समझ आ रहा? कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अफिक्स ये कहा जाता है जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स को किसी वर्ड के साथ लगा के एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं। सो अफिक्स कॉमन वर्ड हो गया। इसके अंदर इसकी दो कैटेगरी हो जाती है, कौन सी? प्रीफिक्स की और सफिक्स की। प्रीफिक्स कहाँ लगते हैं? वर्ड से पहले। सफिक्स कहाँ लगते हैं? वर्ड के बाद। जैसे काइंड है, सो अनकाइंड, अन क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। अब काइंड है, इसमें हमने लगा दिया एल वाई और बना दिया काइंडली। एल वाई क्या हो गया? सफिक्स हो गया। पर दोनों को हम क्या कह सकते हैं कि बोथ आर अफिक्सेस, जो किसी वर्ड के साथ लग के एक नए वर्ड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनको अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो इनको टेक्निकली बाउंड मॉर्फीम भी कहा जाता है ना? बाउंड मॉर्फीम। तो ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगी। सो अफिक्स के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स। डन। देन हम इसमें पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके स्टडी मटेरियल में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, और कुछ एक मैं क्लासेस के अंदर भी डिस्कस करूंगी, सो दैट आप थोड़ा सा यूज्ड हो जाए। पर इसमें ज्यादा ये करना है कि आपको पढ़ना है, जितना ज्यादा आप बार बार पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा वो आपके दिमाग में सेट होते जाएंगे। और जब आप एग्जाम के अंदर आपके पास वो लाइन आएगी और चार ऑप्शन दिए होंगे और सब कॉन्शियसली, क्योंकि आपने उसको पढ़ रखा है, आपको वो याद आ जाता है कि अच्छा इसके लिए कौन सा वाला वर्ड हमारा ऑप्ट होगा। पर अगेन, व्हाट इज द ट्रिक? रीड मोर एंड मोर फ्रिक्वेंटली। ज्यादा पढ़िए और कई बार उसको रिवाइज कीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए। ठीक, ये क्या होता है? लाइन दी हुई होती है, स्टेटमेंट दिया होता है और उस स्टेटमेंट को रिप्लेस करना होता है एक वर्ड के साथ। जैसे आपने यूजुअली देखा होगा, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, या जो प्रोफेशंस होते हैं या जो फोबियाज होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अंदर। फिर इसी में नोट डाउन कर सकते हैं, वी विल स्टडी अबाउट ईडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे। सो फिक्स्ड मीनिंग होते हैं, इनके साथ भी वही ट्रिक काम करेगी कि हम इनको काफी ज्यादा पढ़ें और बार बार रिवाइज करें। सो क्लास में भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैं कुछ कुछ आपसे पूछती चलूंगी ताकि वो आपको याद होता रहे, है ना? सो फ्रेजेस, एंड इसी में फिर फ्रेजल वर्ब्स वगैरह भी आ जाएंगे, वो हम कर लेंगे। ठीक, सो वोकैब हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये हमारे मेजर सेक्शंस हो गए। और एक छोटा सा सेक्शन हो जाता है राइटिंग एबिलिटी वाला। राइटिंग एबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली ये दो तीन टॉपिक ही हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं आते। सो इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो कि नोटिस वगैरह से रिलेटेड होती है, कि उसके अंदर क्या परफॉर्मा होना चाहिए, लेटर जब लिखे जाते हैं उससे रिलेटेड किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, फिर प्रिसाइज राइटिंग एंड पैराफ्रेजिंग क्या होता है, ये कुछ एक चीजें। देन पंक्चुएशंस, और स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स को हम वोकैबुलरी वाले सेगमेंट में भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हैं। एक या दो वर्ड आ जाते हैं हमारे स्पेलिंग के ऊपर बेस। ये भी कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? चार ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे जिसमें एक वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, या अगेन चार ऑप्शन दे दिए गए उसमें से एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर एक ही वर्ड को चार तरीके से लिख दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा वाला स्पेलिंग करेक्ट है। सो इस तरीके
तरीके से क्वेश्चन हमारे स्पेलिंग से भी आ सकते हैं। सो वो कॉम्प्रिहेंशन हम बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे, रोज की क्लास में नहीं, पर जैसे ये हुआ कि भाई दो तीन क्लासेस हो गई, फिर एक क्लास के अंदर हमने एक 15 मिनट का कॉम्प्रिहेंशन कर लिया। वो क्या अब हम रेगुलर पढ़ते चलेंगे, कभी सिनोनिम्स पे वर्क करेंगे, कभी एंटोनिम्स पे, एंड समटाइम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड समटाइम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, राइटिंग एबिलिटी 1 से 2 क्लास का हमारा सिलेबस है या कंटेंट है, तो वो जब भी हमारा टर्न आएगा राइटिंग एबिलिटी का, हम इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। अब आता है मेजर कैटेगरी ग्रामर। ग्रामर सो दिस इज लेंथी वन, है ना। ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सो क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे देखें। सो ग्रामर के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के साथ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देन हम पढ़ेंगे फ्रेजेस के बारे में, फ्रेजेस एंड देयर टाइप्स। ये मैं आपको ऑर्डर भी बताते जा रही हूं कि किस तरीके से हम इनको क्लास के अंदर कवर करेंगे। देन क्लॉजेस एंड टाइप्स, देन सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स। सेंटेंसेस के अंदर दो बाइफिकेशन हो जाते हैं, एक जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, देन कंडीशनल सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, राइट। सो एक वो बाइफिकेशन है कि अब किस सेंटेंस का क्या फंक्शन है, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, वो काम क्या कर रहे हैं। सो जो सेंटेंसेस सवाल पूछने का काम करते हैं, आप उनको क्या कहते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हो। द सेंटेंसेस विच आर नेगेटिव, आप उनको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हो। सेंटेंसेस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, आप उनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हो। सेंटेंस विच आर रिफ्लेक्टिंग सर्टन टाइप ऑफ विश, प्रेयर, आप उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हो। वो एक बाइफिकेशन है, वो एक कैटेगराइजेशन है जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, पर हमारे एग्जाम्स में स्पेशली फोकस किया जाता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, बने कैसे हैं। वो क्या है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, चार कैटेगरी होती है। सो इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये यूजुअली पूछे जाते हैं, है ना, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये हम पढ़ेंगे किसमें, सेंटेंसेस एंड टाइप्स में, दोनों तरीके, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यहाँ पे हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद आती है बारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वी हैव नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये तो 8 मेजर हैं, प्लस एक थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई डिटर्मिनर्स, है ना। ये मैं आपको बताऊंगी कि क्यों 8 एक साथ है और क्यों ये अलग से है ना, जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे। उसके बाद स्पेशल फोकस हो जाता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ऊपर, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम क्या चीजें डिस्कस करते हैं, इसके अंदर फोकस किया जाता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, और उसके लिए भी हम जो हमारे ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ना। देन फिर हम इसी में टेंसेस पढ़ेंगे,
देन वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है क्वेश्चन टैग का, इसको भी डिस्कस कर लेंगे, राइट? सो ग्रामर के अंदर ये आपके मेजर चीजें हैं जो हम अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑर्डर मैंने ये इसी वजह से आपके सामने इस तरीके से मेंशन किया ताकि आप एक थोड़ा सा आइडिया हो कि हाउ थिंग्स विल गो अहेड इन दी क्लासेस। जब हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला सेगमेंट कवर कर रहे होंगे तो हम इसके अंदर जैसे नाउन है फॉर एग्जाम्पल, सो नाउन के अंदर क्या करेंगे, नाउन पढ़ेंगे, नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, प्लस वी विल ऑल्सो स्टडी दी रूल्स विच आर इम्पोर्टेंट टू फ्रेम अ सेंटेंस वेयर इन नाउन्स आर यूज्ड, उससे रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं। जैसे जहां भी नाउन आता है वहां पे ऑब्वियसली एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं। फिर जैसे एक बहुत ही छोटा सा फीचर है कि जब भी आप प्रॉपर नाउन का यूज करते हो आप उसको कैपिटल लेटर से लिखते हो, है ना? तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सेम वे इज प्रोनाउन, वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन, कैसे उनको आप ढूंढ सकते हैं। फिर उसी से रिलेटेड आप उनके टाइप्स पढ़ोगे कि कितने तरीके के हमारे प्रोनाउंस होते हैं, और फिर उससे रिलेटेड कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आते हैं फाइंड आउट द एरर वाले क्वेश्चन, कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री और फोर पार्ट्स, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से वाले पार्ट के अंदर एरर है, तो वो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जब आप ये पहला टॉपिक पढ़ोगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाला, इसके अंदर हमारे वर्ब्स आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, या फिर ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या आप इनको डिवाइड करते हो कि ओके दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट। तो एग्जाम के अंदर क्या होगा, सेंटेंस दे देंगे, एक सेक्शन को अंडरलाइन कर देंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि भैया कौन से वाला वर्ब है, या कौन से वाला ऑब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट है, या प्रेडिकेट है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करने को चीजें आ जाती हैं। उसके नीचे ये जो आपको फ्रेज और क्लॉज दिख रहा है ये भी सेम ऐसे आ सकता है कि सेंटेंस दे दिया गया, एक सेक्शन को अंडरलाइन कर दिया गया और आपसे पूछा गया कि भई आइडेंटिफाई कीजिए कि ये फ्रेज है या क्लॉज है, अगर फ्रेज है तो कौन सा फाइल वाला फ्रेज, अगर क्लॉज है तो कौन से वाला क्लॉज। सब नहीं पूछेंगे पर हम इन सारों पे वर्क करेंगे, वो कोई एक चीज पूछेंगे एग्जाम के अंदर। देन सेंटेंस के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ। ये चीजें अगेन वॉइस आपको चेंज करने को आता है कोई एग्जाम में, कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब आप चेंज करोगे तो कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सेम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर भी टेंसेज इंपॉर्टेंट हैं एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? कि अगर जो हमारा सेंटेंस दिया गया है वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, या फिर परफेक्ट है, तो किस तरीके से वहां पे विच वर्ड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो है ही इम्पोर्टेंट। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक? अब इन सारे चीजों को डिस्कस कर तो क्लास में हम करेंगे करेंगे। एक और छोटा सा टॉपिक होता है जो सब पेपर में नहीं आता बट सर्टेन पेपर्स के अंदर आ जाता है, सो वो एक एडिशनल आप कह सकते हैं, उसको भी हम बिल्कुल लास्ट में जब हमारी लास्ट लास्ट की क्लासेस होंगी तो हम डिस्कस करेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच। ये क्या चीज है, फिगर्स ऑफ स्पीच, हिंदी में अलंकार कहते हैं। सो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या करते हैं, ये एक नॉर्मल सेंटेंस को ब्यूटिफाई करते हैं, सुंदर करके प्रेजेंट किया जाता है ना? सो इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप सिमिली मेटाफर पढ़ते हो, परसोनिफिकेशन है, एपोस्ट्रॉफी है, एक्सिमरॉन है, देन हिपरबली है, और अंडरस्टेटमेंट है, आयरनी, पन, एंटीथीसिस, और बहुत सारी चीजें हैं। सो हम ये फिगर ऑफ स्पीच के अंदर वो सबको डिस्कस करेंगे, पर ये कब पढ़ेंगे, एंड के सेशन में, बिल्कुल लास्ट में, जब हमारी ये सारी चीजें कवर हो चुकी होंगी। सो अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो आपको लगता हो कि हाँ भाई ये चीज और मैम आप करवा दीजिएगा क्लासेस के अंदर, या किसी भी तरीके का क्वेश्चन कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा होगा तो वो आप पूछ सकते हो।
आज की क्लास में हमने किसके ऊपर बात करी है? हमने सिलेबस के ऊपर बात करी है कि क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर इंग्लिश के अंदर कवर करनी होंगी। ठीक है, सो ये सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए थे। वी स्टार्टेड विथ कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस है वोकैब के अंदर, ये मीनिंग वाले वर्ड्स, ये प्रीफिक्स सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस एंड इडियम्स एंड एवरीथिंग। राइटिंग एबिलिटी के अंदर ये हमारे टॉपिक्स, और ग्रामर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज इतना ही। टेक केयर एवरीबडी, मिलेंगे अगली क्लास में और देखेंगे कि वोकैबुलरी के अंदर कौन से नए वर्ड्स हम सीख रहे हैं और ग्रामर के अंदर कौन से टॉपिक के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।